और इस वक्त की बड़ी खबर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थोड़ी देर में पहुंचेंगे जयपुर एयरपोर्ट। दिल्ली में दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में हिस्सा लेकर लौट रहे हैं। जयपुर दिल्ली से विशेष विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। जयपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री के स्वागत की तैयारी चल रही है, क्योंकि जब पिछली बार आए थे तब भी बेहद खास मौका था, और अब एक बार फिर से जब वो दिल्ली से लौट रहे हैं तो एक खास मौका हरियाणा से राजस्थान को मिलने वाले पानी पर समझौता होने के बाद स्वागत की तैयारी की जा रही है। शेखावाटी के सैकड़ों किसान और आमजन मौजूद हैं एयरपोर्ट पर। शेखावाटी को ताजीवाला से पेयजल का पानी मिलना तय है। विनोद सिंह चौहान वरिष्ठ योगी हमारे जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विनोद जी, क्योंकि बेहद खास मौका है, उस वक्त भी आपसे चर्चा जारी थी जब वो वापस दिल्ली से लौटे थे कुछ दिन पहले, तभी आरसीपी को मंजूरी मिल गई थी। अब वो वापस दिल्ली से लौट रहे हैं, तब भी बेहद खास मौका है, यानी कि उम्मीदें लोगों की बढ़ गई है, लेकिन स्वागत सत्कार का मौका भी मुख्यमंत्री नहीं छोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए ताजेवाला हेडवर्ड्स का मामला सुलझने के बाद मुख्यमंत्री दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में से होकर अब जयपुर पहुंचने वाले हैं। दिल्ली से उनका विशेष विमान उड़ान भर चुका है और कुछ ही देर में जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेगा। और यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से 1994 से चला आ रहा विवाद अब सुलझा है और तमाम लोग शेखावाटी के यहाँ मौजूद हैं, जो मुख्यमंत्री यानी राजस्थान के भागीरथ का इंतजार कर रहे हैं और कुछ ही क्षणों में यहाँ मुख्यमंत्री पहुँचेंगे। उनके स्वागत सत्कार की तैयारी पिछले 3 घंटे से शेखावाटी के तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, बड़ी संख्या में महिला पुरुष और किसान। देखिए, किसानों के लिए भी सिंचाई के पानी का इंतजाम होगा, लेकिन जिस तरीके से पेयजल का इंतजाम हुआ है पूरे शेखावाटी के लिए तो एक बहुत बड़ी बात है। और 2001 से जब से फाइल लगाई तब से इंतजार किया जा रहा था और एक ही झटके में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 3 मीटिंग करी हैं और तीसरी ही मीटिंग में दिल्ली में दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मध्यस्थता और अध्यक्षता में मामला सुलझा है। मैं आपको यह भी बता दूं कि थोड़े दिन पहले ही ERCP का मामला सुलझने के बाद इसी तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यहाँ जयपुर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया था और अब बड़ी सौगात मिलने के बाद ताजेवाला हेड से शेखावाटी के लिए पेयजल का इंतजाम होने की DPR के MOU के बाद यहाँ शेखावाटी के लोग बड़े उत्साहित हैं। लंबे समय का इंतजार देखिए, अगले 4 साल में पूरा हो जाएगा, 2 महीने में DPR तैयार हो जाएगी। DPR तैयार होने के बाद मौका मुआयना कर पेयजल लाइनों को डालने का काम भी शुरू किया जा सकेगा और बताया जा रहा है कि अधिकतम 4 साल में ताजेवाला हेड से यानी हथनी कुंड से जो 3 लाइनें निकलेंगी 260 किलोमीटर का सफ़र तय करके पानी चूरू पहुंचेगा और चूरू से डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें निकलकर शेखावाटी के तीनों जिलों यानी सीकर, चूरू, झुंझुनू के लाखों लोगों का गला तर करेगी। उसके बाद दूसरे चरण का काम शुरू होगा। देखिए, पहले चरण पर सहमति बनते ही आम जन में इस बात का विश्वास और खुशी हो गई है कि अगले 5 साल में राजस्थान के भागीरथ शेखावाटी को पेयजल तो देंगे। विनोद जी, क्योंकि काफी संख्या में शेखावाटी से भी लोग पहुंचे हुए हैं जो कि इसी आस में थे कि कब उन्हें पानी मिलेगा, अब इंतजार खत्म होने वाला है, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। साथ में ये भी अपडेट कर दीजिए कि विशेष विमान से मुखिया पहुंच रहे हैं, साथ में क्या अरुण सिंह और BJP प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी भी हैं, कितनी देर में पहुंच जाएंगे? किसान नेता बस थोड़ी देर में देखिए पहुंचेंगे और किसान नेता हमारे साथ हैं, BJP के किसान नेता हैं। आप शेखावाटी से आते हैं, क्या कुछ लग रहा है, देखिए कितनी उत्सुकता है। ये जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को जो अभी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ 17-18 फरवरी को नई दिल्ली में, वहाँ एक संयुक्त बैठक बैठा के जो 3 जिले के लिए सौगात दी है, जो राजस्थान में पानी की समस्या है उसके लिए एक बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि राजस्थान को मिली है। और ऐसे ही जैसे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, डबल इंजन की सरकार बनी, तो यहाँ एक से एक उपलब्धियाँ भारत सरकार ने राजस्थान को दी है, राजस्थान की जनता को दी हैं। अभी जो ERCP का मुद्दा लंबे समय जो अटका हुआ था, जल के लिए लोग परेशान हो रहे थे, उसको उन्होंने हल करते हुए तुरंत उपलब्धि राजस्थान में सरकार बनते ही दी है। तो मैं राजस्थान के भागीरथ आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी जी और केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय मोदी जी ने और नड्डा जी ने, इन्होंने मिलकर राजस्थान को जो एक सशक्त करने के लिए, विकास का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो दिया है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि राजस्थान की। बिल्कुल जी, दूसरे किसान नेता हमारे साथ हैं ताजेवाला जी, कि DPR का बड़ा तोहफा मिला है, समझौता हुआ है, क्या कुछ करें? DPR का जो समझौता मिला, बहुत बड़ी खुशी है किसानों के अंदर और ये काफ़ी दिनों से लंबित पड़ा था
और राजस्थान को सख्त जरूरत है तो पानी की जरूरत है। किसान की मेन समस्या है पानी की समस्या है, तो ये बहुत बड़ी खुशी है जो समझौता होकर ये तीन जिलों को पानी मिलेगा। किसान इस चीज़ को भूलेंगे नहीं और माननीय भजनलाल जी ने एक भागीरथ बनकर इस कार्य को निभाया है। तख्तियां लिए लोग आए हैं राजस्थान के भागीरथ, और देखिए MOU जो हुआ है उसकी प्रति भी है। आप MOU की प्रतियां लेकर के और ये तख्तियां लेकर आए, क्या शुभकामना? मैं विधायक नवलगढ़ विक्रम सिंह जाखल। जाखल साहब देखिए शेखावाटी की एक बड़ी मांग जिसे लेकर के 1994 के समझौते के बाद से लोग परेशान हो रहे थे, किसान इंतजार कर रहे थे, लाखों आमजन परेशान कर रहे थे, और राजस्थान के भागीरथ ने चंद यानी दो महीने की मेहनत के अंदर ही लंबा पुराना विवाद सुलझा। 1994 से लेकर आज तक जो मांग थी शेखावाटी की, उस मांग के अंदर निश्चित रूप से राजस्थान की जो सरकार थी पूर्व सरकार, उसमें 5 मुख्यमंत्री बैठे थे, बैरू सिंह जी, बलभद्र सिंह जी, वीरभद्र सिंह जी, मदनलाल खुराना जी, कई मुख्यमंत्री उसमें बैठे थे और वो मांग पूरी नहीं हुई। चर्चा जारी रखिएगा।